हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। खाद्य सुरक्षा विभाग पौड़ी की ओर से जनपद के विभिन्न स्थानों से लिए गए सैंपलों में 12 सैंपल फेल हो गए हैं, जिनमें 4 मामलों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी व न्याय निर्णय अधिकारी की अदालत में वाद दायर किए गए हैं। वही जिला अभिहित अधिकारी AS रावत ने बताया कि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के 272 सैंपल लिए गए थे, जिन्हें राजकीय प्रयोगशाला उधम सिंह नगर भेजा गया था, जिनमें 132 सैंपल की रिपोर्ट विभाग को मिल गई है, जिसमें 12 सैंपल की रिपोर्ट फेल आई है। पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 272 विभिन्न किस्म के खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 132 नमूने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और जिनमें 12 नमूने जो हैं वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं, और 4 नमूनों में हमने ADM न्यायालय में माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया है, और 8 नमूनों में अभी छालीचार की कार्रवाई की गई है। खाद्य कारोबारकर्ताओं को एक और मौका दिया जा रहा है, यदि वो पहले जांच से अनसेटिस्फाइड हैं तो दोबारा जांच कर सकते हैं, और यदि वो दोबारा जांच हेतु अपील नहीं करते हैं तो पुनः खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत वाद दायर किया जाएगा।